ऐसा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है और जिस प्रकार धर्मांतरण के नाम पर बाद में देह शोषण किस प्रकार हो रहा है, ये सारी चीजें आम व्यक्ति को पता नहीं है। हमारे बाड़मेर के अंदर भी एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, उसको खंडेलवाल बच्ची थी, उसको कश्मीर लेके गए और फिर वहाँ से वो किस प्रकार एक साल बाद में बच करके आई। सेम ऐसी घटना जो मूवी में दिखा रहे हैं वैसी घटनाएं हमारे हिंदुस्तान के अंदर बार बार हो रही है और लोग देखने के लिए इसलिए आते हैं कि वास्तविकता से ये कुछ जाने कि वास्तव में ऐसी स्थितियाँ हिंदुस्तान के अंदर है और इससे अपन किस प्रकार बच सकते हैं। इसलिए आज भी बहुत सारी भैया बहनें यहाँ देखने के लिए आई, 63 लोग हम एक साथ भैया बहनें साथ में देखने के लिए गए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे। अकेला मूवी देखने के बाद क्या मानते हो, पर्दे पर सच मानते हो या पर्दे के पीछे सच मानते हो? ऐसा है हर व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हो सकती है अगर कोई सावचेती से नहीं रहा तो। इस मूवी को देखने से हमको पता चला कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हमको सावधानी से रहना चाहिए, हमारा धर्म कैसा है और अन्य धर्म कैसे है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इस मूवी पर कुछ राज्यों में बैन भी लगा है तो कुछ राज्यों में टैक्स फ्री भी है, ऐसा है? वो तो अलग अलग, जहाँ कम्युनिस्ट की सरकार है उनकी सोच अलग है और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ सभी लोग आकर के इसको देख रहे हैं और इससे प्रेरित हो रहे हैं, इससे प्रेरणा ले रहे हैं और आम जन तक ये बात पहुँच रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करते हैं। आप भी आज हजारों लोगों सैकड़ों लोगों के बीच में आप मूवी देखने के लिए पहुँचा, क्या लगा आपको मूवी में, क्या खास लगा? ऐसा है इस मूवी को देखने से पता चला कि वास्तविकता कुछ और है और हम जी रहे हैं वो कुछ और है। हमको बड़ी सावधानी से जीना पड़ेगा, धर्मांतरण के नाम पर किस प्रकार देश शोषण हो रहा है और किस प्रकार क्या क्या गतिविधियां देश के अंदर हो रही है उसे हमें बड़ा सावधानी से जीवन जीना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधान रूपाराम जी का, जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं को, बच्चियों को और बच्चों को ला के मूवी दिखाई। अब रही बात द केरला मूवी, तो मैं तो मानता हूँ, मैंने सुना था, देखा भी है कि पाकिस्तान के अंदर धर्मांतरण होता है, एक मंजर हमने वहाँ देखा, पर आज जो इस पिक्चर को देखा है और एक हकीकत देखी है कि बाड़मेर और पूरे भारत में जिस प्रकार 22,000 लड़कियों के बारे में बताया कि 22,000 नहीं, ऐसी लाखों लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है और हमारे बीच में भी हो रहा है। अगर इस मूवी को माध्यम बनाकर और लोगों के बीच में उनको जागरूक नहीं किया गया तो आने वाले समय में आप देखोगे एक धर्म आगे होगा, एक धर्म पीछे होगा और कई लड़कियाँ, कई लड़के दूसरे धर्म में परिवर्तन हो सकते हैं। क्या मानते हो इस पिक्चर को, पर्दे पर सच? पर्दे के ऊपर तो पिक्चर ही होती है, वास्तविकता जो है पर्दे के पीछे की जो घटना है वो दर्दनाक घटना है। ये केरला की घटना नहीं है, मैं पूरे भारत की घटना बता रहा हूँ, बाड़मेर जिले की घटना बता रहा हूँ। पर्दे के पीछे जो घटना है वो सामने नहीं आई है, उनको हकीकत लाने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, पर पंचायत को जागरूक करना पड़ेगा, हर महिला को जागरूक करना गलत है। मैं ये कह रहा हूँ किसी दूसरे धर्म पर टोच करना, धर्म के ऊपर आघात करना गलत है। इस पिक्चर में हिंदू लड़कियों को, हिंदू संप्रदाय को, हिंदू संस्कृति को खत्म किया गया, आगे बढ़ाया गया, अल्लाह ही एक है, भगवान को करके बातें बताई जा रही है। पिक्चर में जो घटना बताई गई, एक लड़की तीन लड़कियों का ब्रेन वेस्ट करती है, एक ही चीज बता रही है कि अल्लाह सब कुछ है, आपके हिंदुओं के अंदर भगवान नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूँ हमारे अंदर कमी है, हम अपने बच्चों को कभी संस्कृति के नजदीक लेके नहीं गए, हमने कभी उनको मंदिर भेजा नहीं है, उनको तिलक लगाना सिखाया नहीं है, इस चीज की वजह से आज हमारा धर्म चल रहा है। हमारे धर्म को मजबूत करने के लिए बच्चों को मंदिर भेजिए, बच्चों को बताइए हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म सर्वोपरि धर्म, पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म सभी को मानता है, सभी को अपनाता है, एक धर्म ऐसा नहीं है आओ मुस्लिम बनो ऐसा नहीं, सभी शामिल रहिए, सभी भाई बहन के रहिए, पर ऐसा नहीं एक का ब्रेन वॉश करके उसको इस्लाम कबूल करवाना ये गलत है और मैं इसको गलत मानता हूँ। इस पिक्चर को देखने के बाद में आम जन आपकी क्या अपील है? मैं आम जन से यही अपील करता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरे धर्म को आप गलत मानो, आप अपने धर्म को मजबूत मानिए, अपने भगवान को मानिए, डेली मंदिर जाइए और अपने माता पिता को मानिए। ये जो आज के टाइम में एक ट्रेंड चला है लहू प्यार, ये बकवास बातें हैं, आप अपने धर्म में रहिए ना, दूसरे धर्म की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हो, क्यों उस तरफ जा रहे हो, अपने धर्म में रहिए, अपने अंदर विश्वास रखिए, विश्वास जागरूक कीजिए, इससे अपना भी धर्म बचेगा और सामने वालों को भी ठोस नहीं पहुंचेगी।